हेलो मेरे फूडीज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फूडी निरशुता। आज मैं आप सबके साथ क्रिस्पी कॉर्न्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इनको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिस्पी कॉर्न्स को बनाने की विधि। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, इसे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाऊं। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की सारी अपडेट मिलती रहे। पिकॉन्स बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। तो 2 कप मैंने यहाँ पे बॉयल्ड कॉर्न्स ले लिए, तो आप नॉर्मल कॉर्न्स को बॉयल करके रख ले। 3 to 4 tablespoons मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, 1/2 lemon लिया है, 1 teaspoon कॉरियंडर लीव्स लिए है यानी कि धनिया, उसके बाद 1 teaspoon चाट मसाला, 1/2 teaspoon सॉल्ट या एज़ पर टेस्ट, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप्स बॉयल्ड स्वीट कॉर्न्स ले लिए हैं। तो आप फ्रोज़न कॉर्न्स भी लेंगे तो आप उसे बॉयल करके रख ले। अब मैं इसमें 1 teaspoon सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप एज़ पर टेस्ट इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे, तो लाइटली इसे मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। तो मैं सारा कॉर्नफ्लावर एक ही बारी में नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करूँगी और उसके बाद अब मैं इसे हाथ की हेल्प से मिक्स करूँगी। तो बहुत हार्डली नहीं हमको इसको मिक्स करना है, बिकॉज जो कॉर्नज है वो फट सकते हैं। तो लाइटली इसको मिक्स करेंगे हम। और अगर आपके जो कॉर्नज है वो ड्राई है तो थोड़ा सा इस पर पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि जो कॉर्नफ्लावर है वो अच्छे से स्टिक हो हमारे कॉर्नज के साथ। तो अब मैं और कॉर्नफ्लावर ऐड कर लूँगी, तो थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड कर रही हूँ ताकि सारे कॉर्नज पर अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो मैंने बाकी का भी कॉर्नफ्लावर ऐड कर लिया और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो कॉर्नफ्लावर है वो अच्छे से हमारे कॉर्नज पर लग जाए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे अच्छे से कॉर्नफ्लावर लग गया है हर एक कॉर्न पे। तो अब मैं इसे साइड पे रख लूँगी और अब हम कॉर्न को फ्राई करने के लिए ऑयल रेडी कर लेते हैं। तो हमारे जो कॉर्नस है वो तो रेडी है फ्राई होने के लिए। तो अब एक कढ़ाई में मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। आप देख सकते हैं कि तेल गर्म हो गया, इसका कलर लाइट हो गया है। तो इस स्टेज पर मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और अब मैं एक कॉर्न डालकर चेक कर लेती हूँ। तो ये बबल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब जो ऑयल है वो पूरी तरीके से रेडी है। तो अब मैं बाकी के सभी कॉर्न्स इसमें डाल दूँगी और मीडियम से हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो इस स्टेज पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है और मीडियम से हाई फ्लेम पर अब हम कॉर्न्स को फ्राई करेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा ब्राउनिश होने लग गया है। तो जो कॉर्न्स है वो रेडी है, मैंने प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो हमारे बढ़िया से क्रिस्पी कॉर्न्स फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक बाउल ले रही हूँ और इसमें मैं जो क्रिस्पी कॉर्न्स हैं हमने जो फ्राई करके रखे इनको ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 1 teaspoon मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। इसी के साथ मैं इसमें 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये मसाले जो है आप जैसा टेस्ट पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ऐड करें। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो मैंने मेजरमेंट्स बताए हैं उसमें ही ऐड करना है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसके बाद मैं इसमें 1/2 नींबू का रस स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। अब इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे जो क्रिस्पी कॉर्न्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब इसे बढ़िया सी प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो कॉर्न्स को मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। तो मैं क्रिस्पी कॉर्न्स को चॉप्ड कोरिएंडर यानी कि धनिया के पत्ते से गार्निश कर रही हूँ। तो इसके ऊपर ऐसे मैं धनिया के पत्तों को रख दूंगी और हमारे जो बढ़िया से क्रिस्पी कॉर्न्स है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तो हमारे बारबेक्यू नेशन स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न्स बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत इजी रेसिपी है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।